संतोष बेटा, जवान बेटी माँ बाप के कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ होती है, और आज से मेरा बोझ मैं तुम्हारे कंधों पर डालता हूँ बेटा। ये बोझा बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल सकता, बहुत भारी है। ऐसे घबरा के क्या देख रहे हैं, शादीशुदा है ये, तन से यहाँ है, मन से बीवी के पास, ऐसा आपके साथ भी तो होता है। अरे बैठे रहिए, एक दिन सबका काम हो जाएगा। दूसरों के फटे में देखने की आदत हम हिंदुस्तानियों को बड़ी पुरानी है। हाँ नहीं तो भाई साहब, पिछले 10 मिनट से क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है सर, मुझे माफ कर दीजिए। नोट गिन रहे थे या वजन कर रहे थे? संतोष जी, दिन में सपने देखना छोड़ दो, काम करो ना जाके भाई, प्लीज आप अपना काम करो। बड़ा रिफ्लेक्स लग रहे हैं, घर से लौट आए क्या? हाँ आप भी कुछ बोल दीजिए, आपको बोले बगैर नहीं रहा जाएगा। अरे हम कहा बोलेंगे भाई, बड़ा साहब बड़ा हंगरी हैं। हंगरी हैं तो उनको कुछ खिला दीजिए, आप हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? खाने वाला हंगरी थोड़ा होता भाई, वो गुस्सा वाला हंगरी है। मिश्रा जी एंग्री, उसको एंग्री कहते हैं। और आप दूसरों को पढ़े लिखे नहीं पता नहीं क्या क्या बोलते हो, और आप क्या बोलते हो उस पर कभी कुछ नहीं सोचते हो। इतना लालटेन मत समझिए सर, हम भी बम्बूत फैमिली के हैं भाई, बीए के बाद डबल एमए किए हुए हैं। डबल एमए क्यों किए हुए हैं? पहले एमए वाला इम्तिहान में पेट में डिसेंट्री हो गया था, पर्चा नहीं दे पाए, सेंटर पे जाकर लुढ़क गए। दूसरा वाला में तो आशा के प्यार के चक्कर में हम पास हो गए। बाप रे बाप, बेलगाम अंग्रेजी बोलते थे, आजकल तो वो क्या कहते हैं बोकलेबरी थोड़ा कमजोर। अब हमरे बायोडाटा लीजिएगा कि चलिए ना महाराज, अपना बायोडाटा दीजिए। प्रवचन खत्म हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो चलिए, नहीं तो लंच टाइम में डिनर कराएगा वो। सर आप वाइफ की बात कर रहे हैं, शादी के बाद लाइफ ही कंट्रोल में नहीं रह गई है। बाप ही बुला रही हैं। प्रेम जी यू मिस्टेकन, संतोष सिंह जी आप टेकन, टेबल वाले मोबाइल पर। देखा सर, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जाओ जाओ झगड़ा बात करो। जी सर। क्या बोले भैया आप, किसको शैतान बोले? कुछ नहीं बोले। आपका क्या है ना, आप ऑफिस अलग रखा कीजिए, घर घर में रखा कीजिए, और नहीं तो क्या होता है दोनों का तारतम्य है, समझा जी। मोबाइल है ना, ऐसे में किसी शायर ने कहा है। सुनो यार तुम्हें से बोले, क्या हो गया? सिंह साहब मैं आपको किस नाम से बुलाता हूँ? मिश्रा जी। तो आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? सिंह साहब प्लीज, और अपना काम करिए मिश्रा जी प्लीज। हेलो, तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? ओके, मैं यहाँ बैंक में काम करने आता हूँ, याशी करने नहीं आता हूँ। और मुझे मालूम है तुमने फोन क्यों किया, मुझे सॉरी वोरी बोलने कोई जरूरत नहीं है। सॉरी कहने के लिए फोन नहीं किया है, सुबह झगड़ा किया और खाली टिफिन लेकर चले गए, जिसमें खाना था उसे यहीं छोड़कर चले गए हो। अरे काम हो गया ना शिवानी? या तो प्लीज। ओके हाँ, सुबह टिफिन की याद नहीं दिला सकती थी? अरे तुम तो चाहती हो मैं दिन भर भूखा रहूं। मैं तो आपसे शादी करके फंस गई। डॉक्टर ने बोला था शादी करो। मेरी तो किस्मत फूटी थी। तो तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हो? अरे रहने दो, मुझे ऐसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बस एक काफी है, जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी। मैंने? आपने? शांति शांति शांति। जानती हूँ मेरा नाम शांति है। शायद मैं ये अच्छी तरह अब जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम शांति है, और मैं तुमसे शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। ये बैंक है, शाम को घर आऊंगा तब बात करेंगे। ओके। कुंवारी हो, काम करो, काम से ज्यादा बातों पर ध्यान मत लगाओ प्लीज। ओके। पता नहीं किसकी शांति भंग करो। बीवी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है। झूठ कहकर सेक्रेटरी को फंसाते हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा ये ट्रेनिंग चल रही है, दिल में देख देख कर खूब पति को गालियां दो। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता, खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है, उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा, ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत क्या करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है, और इसलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो, ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता
जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था वैसे ही हो। हाँ राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ। खाना गर्म करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकर गिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है, एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियाँ घर को स्वर्ग बनाती हैं। और पति को स्वर्ग बासी बना देती, बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह, कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ, जो कपड़े उतार दूं सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा सोना, समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है, वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी? पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना, है? अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे, और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ठहरो, माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था, कोटा से लाकर पटक दिया है यहाँ पे, पूरा दिन टीवी देखकर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये हुंडई का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना ना घर में ठिकाना। ए संतोष, दुपहर हो गया। ए रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू मीट माय मदर इन लॉ। संतोष, सुबह शांति के साथ झगड़ा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? अब आप जले पे नमक मत छिड़किए, एक तो मेरी शादी करवा दी, ऊपर से उसको भड़काते रहते हो। अरे इधर तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे संत, आप हैं कौन? क्या बताऊँ कौन हूँ साहब, हूँ तो बैंक में कैशियर, लेकिन आजकल गिनती करना भूल चुका हूँ। तो एक काम करो, यहाँ बेकार नहीं बैठने का, जाओ यहाँ से। बेकार में मतलब ये सब बैठे हुए हैं, ये आपको नहीं दिख रहे हैं? देखो यहाँ जितने जन बैठे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये काम है? अपने पार्टनरों के साथ बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना? सर मैं भी कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, मेरी भी बीवी है। अच्छा तो बीवी है तो जाकर लेकर आओ और बैठो उसके साथ। यही तो समस्या है, नहीं तो आप क्यों कहते? वो यहाँ आ नहीं सकती और वो जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकता। तो एक काम करो, उठो और तीसरी जगह जाकर बैठो, समझ में आ गया? यहाँ नहीं बैठने का, ऐसा बेकार में। अरे सर लिसन, बोलिए। बोल दिया ना, सुन लिया ना? बेटा अगली बार मिलना, तेरी कंडीशन मैं ठीक करूंगा। हर डाल पे एक मजनू बैठा हुआ, साले जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं। क्या हुआ, तुम भी नहीं चलोगे? साला पानी का भी अकाल है। लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। भूख भी लगी है, खाना खा के घर से निकलता तो अच्छा रहता। अच्छा अब आई पति की याद, बजते रहो, उठाऊंगा ही नहीं। फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगाओ, उठाएगा, दोबारा लगाओ, चलो। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ओके। अरे ये तो पीछे पड़ गए, चलो इस बार उठा लेता हूँ। क्या है? कहाँ हो? जानू में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर, किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है, सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई है। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। क्यों, दिमाग गर्म कर दिया, वो काफी नहीं है क्या? आप प्लीज घर आ जाइए, खाना खा लीजिए ना। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना, कमाता हूँ, कोई फटीचन नहीं हूँ, जाके होटल में खाऊंगा, होटल में। वो मिस्टर खुराना के नाम मत लो, सारी फसाद की जड़ वो बुड्ढा है, उसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। तो शादी की बेड़ियों बांध दिया तुम्हारे साथ, अब खुद के लिए इतनी बढ़िया बीवी देख ली। मेरा बस चले तो उस बुड्ढे को किसी खड्डे में डाल दूं, मैं
तुम ही बात करो। हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया। काटा नहीं, उस बेवकूफ ने काटा है। शांति, बात बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? होगा क्या, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कान से पकड़ कर लाता हूँ। हाँ।